सोलन के लोगड़ा के समीप एक निजी बस सड़क पर पलटी। सड़क पर पलटने के कारण बस में सवार 24 सवारियां घायल हो गई, जिसमें से एक महिला की मौत बताई जा रही है। ये महिला चायल के समीप एक गांव की रहने वाली है। बस में सवार 24 सवारियों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है और बाकी 22 सवारियों की हालत खतरे से बाहर है। दुर्घटना की खबर प्रशासन को मिलते ही पुलिस, होमगार्ड और स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी चौकन्ने नजर आए और उन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भी चिकित्सकों ने तुरंत घायलों का इलाज किया और किसी भी तरह की कोताही अस्पताल में नजर नहीं आई। वहीं तहसीलदार सोलन गुरमीत सिंह नेगी ने घायलों को नियमानुसार सारी राहत दी। मौके पर SDM सोलन अजय यादव भी सवारियों का कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे। बस में सवार घायलों ने अस्पताल में बताया कि बस चालक बस को तेज गति से भगा रहा था और जब वह ओवरटेक कर रहा था उस समय बस सड़क पर पलट गई। उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि बस की दुर्घटना की सबसे अहम वजह ओवर स्पीड है। मेरा नाम सोनू राम है सर। हादसा ओवर स्पीड, पास ले रहा था, ओवर स्पीड से पलटी है गाड़ी। ओवर स्पीड था, थोड़ा ओवर स्पीड में ना होता शायद नहीं होता हादसा। हादसा नॉर्मल हुआ, गाड़ी नीचे भी जा सकती, वो तो रोड पे ही पलटी और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को चोटें आई है। हमारी फैमिली के 6 मेंबर थे सर। हम आए कंडाघाट से आए सर। हम बस में सोलन आ रहे थे, हमारे शादी है, भांजी की शादी थी, शॉपिंग के लिए आए थे। ओवर स्पीड थी सर, टायर आउट का फिर नहीं पता लग जाता भाई, टायर आउट टूटी नहीं टूटी। ओवर स्पीड जब बस पलटी है उसके बाद तो सब कुछ टूटेगा, उसका टायर आउट भी टूटेगी, टायर टूर सब टप्पा सब बाहर को निकल आएगा। मतलब ओवर स्पीड की वजह से पूरा हादसा हुआ सर। मेरा नाम रंजना है, मैं कंडाघाट से आ रही थी सोलन के लिए। जो ये हादसा हुआ ये कैसे हुआ? ये बस चालक ही ओवर टेक कर रहे थे ना, इसलिए। मतलब स्पीड में थी बस? हाँ जी, बहुत स्पीड में थी बस। बस भरी हुई थी सारी, भरी हुई थी बस, बच्चे भी थे उसमें, सब बूढ़े भी थे और अचानक से बस ओवरटेक कर रहे थे, वो एक्सीडेंट हो गया। अधिक जानकारी देते हुए MSN के गुप्ता ने बताया कि करीबन 23 घायलों को सोलन अस्पताल लाया गया है, जिसमें से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और बाकी सभी घायलों को सोलन में उपचार दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बस दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई है जो चायल के समीप गांव की रहने वाली है, जिसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अभी तक हमारे पास 23 जने आए हैं, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है और दो को हम रेफर कर रहे हैं, बाकी सबको एग्जामिन किया जा रहा है। लगता नहीं है कि उनमें से किसी को रेफर करना पड़ेगा, फिर भी हम ऑब्जर्वेशन के लिए रख रहे हैं उनको सबको। अगर किसी को रेफर करना पड़ेगा तो उसके बाद देखा जाएगा। कितने गंभीर? दो जो हैं जो गंभीर थे उनको हम रेफर कर रहे हैं, बाकी जो रूटीन में चार पेशेंट और ऐसे हैं जिनको स्टिच वगैरह की जरूरत पड़ी है और जिनको एक्सरेज की जरूरत पड़ रही है। बाकी एक की डेथ हुई है, बाकी रूटीन के हैं छोटे छोटे, किसी को एक स्टिच किसी को दो, उनको सब कुछ करके अभी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही अगर उनमें से जिस जिसके हमारे को लगेगा कि एडमिट करके रखना है उनको एडमिट करके रखेंगे और बाकियों को अगर लगता है कि वो बिल्कुल क्लियर है तो उनको हम घर भेज देंगे। तो महिला जिसकी मौत है उसका कुछ डिटेल पता? डिटेल अभी उसके रिलेटिव्स आ रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं तो उसकी डिटेल बताते हैं। डुबलू की बता रहे हैं, डुबलू जगह की है, तो बाकी जैसे ही आते हैं तो बताते हैं।